हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू टेक्निकल में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है दर्पण, 12th क्लास का दर्पण। आपने पहले हमारे दो चार वीडियो देख चुके होंगे जिसमें हमने प्रकाश और उसके बारे में बताए थे, परावर्तन। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने परावर्तन को समझा और उसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रकाश को समझा। इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं दर्पण। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन अगर आपने आप देखते हैं डेली लाइफ में, तो वो जिससे होता है उसे हम मिरर कहते हैं, ठीक है, उसे दर्पण कहते हैं। जिसमें हम सुबह एक शकल देखते हैं वो एक दर्पण है। तो दर्पण को परिभाषित कैसे करें? तो दर्पण वो चिकनी और पॉलिश सतह होती है जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव है। दर्पण वो चिकनी और पॉलिश सतह होती है जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव है, तो उसे हम लोग दर्पण बोलते हैं। अब दोस्तों, अगर हम देखें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण। इसके प्रकार को देखें तो पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। ध्यान से देखना, पहला है हमारा समतल दर्पण, दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, एक तरफ पॉलिश और एक तरफ चिकनी सतह, ठीक है। एक बार और बोलता हूँ, समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। मतलब सिंपल जो हमारे घरों में लगा हुआ होता है वो दर्पण जो है जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल होता है, प्लेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। ये दर्पण एक तरफ पॉलिश होती है और पीछे से दर्पण में पॉलिश होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश सतह। और सामने प्रकाश आता है और वहाँ से टकराकर वापस जाता है, वहाँ से टकराकर वापस जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, इसको बोलते हैं पॉलिश सतह और इसको बोलते हैं परावर्तक पॉलिश सतह परावर्तक पृष्ठ, ठीक। आप देखें तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। वो उसी तरह एक है यहाँ पे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, यानी कि इस प्रकार, एक तरफ से पॉलिश। गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाहर की अंदर की तरफ पॉलिश और बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ। अब यह ऐसे भी हो सकता है कि अंदर की तरफ पॉलिश और बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ। तो अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो परिभाषा इसका हम लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया। अगर गोले का भाग बाहर के तरफ पॉलिश किया है तो इसे बोलते हैं अवतल दर्पण, अगर गोले का भाग अंदर की ओर पॉलिश किया है तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, आपने देखा कि दो तरह के दर्पण होते हैं,
एक तो समतल दर्पण जो हम लोग घर में काम में लेते हैं और जिसमें हम अपना शक्ल देखते हैं, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो एकदम समतल होता है, और बाकी अगर वक्रित है तो वो कहलाएगा गोलीय दर्पण। अंदर की ओर वक्रित है तो अवतल दर्पण, अगर बाहर की ओर वक्रित है तो उत्तल दर्पण। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपके सामने दो दर्पण बना दिए हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण बना दिए हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इस अवतल दर्पण का जो ये परावर्तक सतह है, इस अवतल दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, इतना हिस्सा इसका परावर्तक पृष्ठ है, इतना हिस्सा इसका परावर्तक पृष्ठ है। इस हिस्से पर किरण आ सकती है, टकरा करके वापस जा सकती है। इसका भी मैं परावर्तक पृष्ठ बनाऊं, इसका भी अगर मैं परावर्तक पृष्ठ बनाऊं तो यह MN है और यहां से लेकर यहां तक परावर्तक पृष्ठ है। तो आपके गोलीय दर्पण का जो भी परावर्तक पृष्ठ है, तो आपके गोलीय दर्पण का जो भी परावर्तक पृष्ठ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक। ये दोनों के बीच के दूरी यानी परावर्तक जहाँ जहाँ तक हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक। द्वारक, ठीक है, पहली बात। तो द्वारक क्या है, परावर्तक पृष्ठ MN जो है द्वारक कहलाता है। ठीक बात, दूसरा देखिए, अब अगर ध्यान से देखे तो ये जो अवतल दर्पण है ये किसी न किसी एक गोले का भाग है, ये किसी न किसी एक गोले का भाग है। ठीक है, तो गोले का भाग है मतलब इस अवतल दर्पण को मैं पूरा करूं तो एक गोला बनता है। तो अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र है, इस गोले का जो केंद्र है उस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल C कहलाता है, यानी यह केंद्र कहलाता है। आपने केंद्र समझ गया, द्वारक समझ गया, अवतल दर्पण समझ गया, उत्तल दर्पण समझ गया। ठीक है, यह केंद्र कहलाता है, इसी को बोला जाता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है समझना। तो दर्पण जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये एक गोले का भाग है, उस गोले को मैंने पूरा किया तो गोले का जो केंद्र है उस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, और किससे निरूपित करते हैं, सी से। ऐसे अगर मैं उत्तल दर्पण को देखेंगे तो यहाँ पे भी किसी न किसी गोले का भाग है, ये भी किसी न किसी गोले का भाग है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, उत्तल दर्पण, तो इसका भी एक वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो गोली दर्पण, गोलीय दर्पण में दोनों आ गया, अवतल दर्पण भी आ गया, उत्तल दर्पण भी आ गया। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो दोस्तों आपने बहुत कुछ सीख लिया इस वीडियो से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। ठीक है, बाय।